आजादी से पहले भारत 565 छोटी बड़ी रियासतों में बंटा था। भारत में विलय के लिए इन रियासतों को राजी करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई थी। उन दिनों सरदार पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। रियासतों को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी को सरदार पटेल ने न निभाया होता तो शायद भारत का इतिहास ही नहीं बदलता, नक्शा भी बदल सकता था। भारत आजाद नहीं हुआ, लेकिन तय था कि आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बनेंगे। देखिए, माउंटबेटन प्लान जो है 1945 से और 1947 तक जो एक कुर्सी और बेस पे बैठ के वार्तालाप हो रहा था कि भारत के लिए क्या किया जाए, ये प्लान उसका नतीजा था। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अखंड भारत का सपना सरदार पटेल को पूरा करना था। 11 जून 1947 को त्रावणकोर ने खुद को आजाद संप्रभुता संपन्न देश बनाने का ऐलान कर दिया। त्रावणकोर रियासत के बगावती ऐलान के ठीक एक दिन बाद हैदराबाद ने भी विरोध का बिगुल बजा दिया। 12 जून 1947 को हैदराबाद ने अपनी रियासत को 15 अगस्त के बाद आजाद रहने का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल समझ गए कि अगर जल्द सख्त कदम न उठाए गए तो त्रावणकोर और हैदराबाद की कदमों पर चलते हुए 565 रियासतें भी खुलकर बगावत कर देंगी। आजादी के दिन से हम केवल 46 दिन दूर थे, लेकिन रियासतें जिद पर अड़ी थीं और रास्ता सरदार पटेल को निकालना था।